जय। भारत माता की जय। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पट्टे पट्टे बहाल करो, पट्टे पट्टे बहाल करो। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसी दास वैष्णव बैरागी के आदेशानुसार मंदसौर जिले की सीतामो विकास खंड के एसडीएम कार्यालय में अफीम किसानों ने उपस्थित होकर अफीम नीति 2024-25 में किसानों की मुख्य मांगों को पूरा किए जाने हेतु ज्ञापन वित्त मंत्री के नाम सौंपा, जिसमे किसानों की मुख्य मांगे ये है कि सन 1997-98 से 2024 तक के रुके हुए अफीम लाइसेंस बहाल करें। वह किसान जो कई सालों से आस लगाकर बैठा है, उन किसानों को नई अफीम नीति 2024-25 में 100 औसत पर अन्य सभी किसानों को पट्टे बहाल करें। अफीम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को देखते हुए अफीम के भाव बढ़ाए जावे और सीपीएस पर पुनः विचार कर इन किसानों को लुवाई चिराई में पट्टे दिए जाए। सरकार ने काफी किसानों को सन 1998 से 2023 तक किसानों को पट्टे दिए, इसके लिए हम सभी अफीम किसान सरकार का धन्यवाद करते हैं। अतः पुनः निवेदन है कि 1997 से अब तक की लगभग 26-27 साल से सरकार से यही आशा कर रहे हैं, किसी कारणवश रुके हुए पट्टे बहाल करें। सरकार किसानों की समस्याओं को देखते हुए समस्याओं का हल करे। ज्ञापन देते समय राष्ट्रीय महासचिव गोपाल सिंह चौहान, मंदसौर जिला अध्यक्ष कमल सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुरेश सेन कांचरिया जाट, सुहासरा शामगढ़ तहसील अध्यक्ष गोवर्धन लाल धनोतिया, पर्वत सिंह, दिलीप सिंह, दुले सिंह सिसोदिया, भगवान लाल, भंवर लाल, मुबारक भाई, कंवर लाल नायक टकरावत, विजय सिंह, कन्हैया लाल, मुकेश जाट कांचरिया जाट, ईश्वर लाल पाटीदार, रोहित धनगर आदि अफीम किसान सीतामो में ज्ञापन सौंपते वक्त उपस्थित रहे। वह ज्ञापन सीतामो एसडीएम को सौंपा गया। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।